हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप ऑल माय व्यूअर्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बताएं किस किसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, बताएं। नहीं जाइए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो को एंड तक देखिएगा। जनाब ये है मैदा, ये है पिसी हुई चीनी और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट है। और ये है जी कोको पाउडर, एक अंडा और ये जैसा भी दूध हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। और ये है जी वनीला एसेंस। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। सबसे पहले हमने डाला मैदा, अब हम ये डाल रहे हैं पिसी हुई चीनी एक कप। अब इसमें हमने डाल दिया कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ एक आधा अंडा। अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, अंडा डाला है और वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। और अब मैं दूध डालने लगी हूँ उसके अंदर आधा कप। ये हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है, इसकी इस तरीके से होनी चाहिए। देखें कितना मज़े का बैटर तैयार हो गया है। ये हमने बैटर डाल दिया है और मैंने प्री हीट करने के लिए पतीली को रख दिया है। मैं पतीली में करूँगी 30 से 35 मिनट के लिए, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। स्टार्ट में आपने फ्लेम हाई रखना है और बाद में मीडियम कर देना, मीडियम टू लो। ओके, ये देखें हमारा चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। अब मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट गनाश। चलें उसे की उसकी रेसिपी बनाते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर आधा कप, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच, वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स और आधा कप चीनी। ओके, इसमें हम पिसी हुई चीनी आधा कप और आधा कप कोको पाउडर डाल चुके हैं। अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं और अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। यह हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर रखने लगी हूँ, ये जब तक गाढ़ा नहीं हो जाएगा मैं इसको हटाऊँगी नहीं चूल्हे से। हमारा चॉकलेट गनाश भी रेडी हो गया। ये हमारे केक कितना ज़बरदस्त फूला है और कितनी अच्छी लुक लग रही है। बस इसे मैं डेकोर करती हूँ, इसमें चॉकलेट गनाश लगाती हूँ और सारा डेकोर करके आपको मैं दिखाती हूँ। अब फ्रिज में इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था, फ्रिज को वो केक को सेट होने के लिए। और इस पर मैं गनाश भी लगा चुकी हूँ और मैंने इस पर वाइट चॉकलेट्स के चंक्स लगाए हैं और स्प्रिंकल्स कर दिया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरे केक की, चॉकलेट केक की लुक और रेसिपी समझ आई तो आप ज़रूर भी ट्राई करिएगा। आपने लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैंड स्पून। लुक्स यम्मी। अब ये ठंडा ठंडा हो गया है, सेट वेट हो गया, अब हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय बाय, बाय टाटा, गुड बाय, गया।